है। एनर्जी कंजर्वेशन में यूनिट नंबर 3.6 जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स के टॉपिक है, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स के टाइप्स में जो मेन इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एसी मोटर्स और डीसी मोटर्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ मोटर्स यहाँ रिटन है, डीसी मोटर्स और एसी मोटर। तो पहले डीसी मोटर की वैरायटी देखते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर और ब्रश डीसी मोटर। ब्रश डीसी मोटर्स को चार पार्ट में फिर बांट सकते हैं, सीरीज वाउंड, शंट वाउंड, कंपाउंड वाउंड और परमानेंट मैग्नेट। इसी प्रकार एसी मोटर्स को हम सिंक्रोनस मोटर, एस इंडक्शन या एसिंक्रोनस मोटर, और इसका सिंगल फेज और थ्री फेज। इसी प्रकार से सिंक्रोनस भी सिंगल फेज और थ्री फेज हो सकता है। तो एक क्लासिफिकेशन और है, जैसे इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, जो ब्रशलेस डीसी मोटर्स हैं वो सर्वो मोटर, स्टेप मोटर भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से सिंक्रोनस भी जो है वो सर्वो स्टेप में मिल सकती हैं, और सिंक्रोनस जो है वो सिंगल फेज थ्री फेज या पॉली फेज। इसी प्रकार से असिंक्रोनस जो है वो सिंगल फेज थ्री फेज पॉली फेज मिल जाती हैं। ठीक है, कोई आपको दिक्कत हो जरूर पूछेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, इतना ही टाइप्स ऑफ मोटर्स और फिर उस मोटर्स में कहाँ कहाँ लॉसेज होते हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो पहले हमने टाइप्स ऑफ मोटर डिस्कस कर लिया, और इसके आगे टॉपिक में हम इसमें क्या क्या लॉसेज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।